नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्रेजी। मेरा नाम है अंकित चौबे और आपको बताया कि ओवल का क्रिकेट ग्राउंड जहां पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है, जिसका विजेता ये डिक्लेयर करेगा कि नया टेस्ट चैंपियन कौन होगा वर्ल्ड का। क्या आपको बताया कि उसी ओवल क्रिकेट ग्राउंड पर एक वक्त हाथी घुसाया था? जी, आपने सही सुना था, हाथी की एंट्री हो चुकी थी ओवल क्रिकेट ग्राउंड पर। यह हाथी कौन था, कब था, कैसे घुसा, क्या है पूरी कहानी, उसको देखने के लिए एक विस्तृत रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है, तो उसको देखिएगा। तो बढ़ते हैं रिपोर्ट की तरफ। साल था 1971, भारत को आजाद हुए 24 साल बीत चुके थे। इंडिया की टीम इंग्लैंड दौरे पर आई थी। दोनों के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही थी। नवाब पटौदी की जगह टीम इंडिया की कप्तानी अजित वाडेकर को सौंपी गई थी। इसके बाद टीम जुलाई अगस्त में इंग्लैंड आई। सीरीज 3 टेस्ट मैच की थी। इंग्लैंड के लॉर्ड्स और मैनचेस्टर में खेले गए मुकाबले ड्रॉ रहे थे और निर्णायक मैच ओवल में 19 से 24 अगस्त के बीच हुआ। इंग्लैंड के कप्तान रे इलिंगवर्थ ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी और टीम ने 355 का स्कोर बनाया। जवाब में भारत ने भी टक्कर दी और 284 का स्कोर बनाया। दूसरी पारी में इंग्लैंड महज 101 रन पर ऑल आउट हो गए। भागवत चंद्रशेखर ने 38 रन देकर 6 विकेट चटकाए। इंग्लिश बल्लेबाज उनकी लेग ब्रेक और टॉप स्पिन को समझ ही नहीं सके। भारत को 173 का टारगेट मिला। अजित वाडेकर 45 रन, दिलीप सरदेसाई 40 रन और गुडम्पा विश्वनाथ ने 33 रन की बेहतरीन पारियां खेली। हर एक मौके पर टीम इंडिया के 5 विकेट गिर चुके थे और क्रीज पर आए फारूक इंजीनियर, उन्होंने 28 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली। विश्वनाथ के साथ साझेदारी करके उन्होंने टीम को जीत तक पहुंचाया। अब आप ये कहेंगे कि इसमें हाथी कहां से आया, हाथी की एंट्री कैसे हुई? तो हाथी इस तरीके से आया कि जो फाइनल डे का मुकाबला खेला गया भारत और इंग्लैंड के बीच में वर्ल्ड क्रिकेट ग्राउंड पर, उस फाइनल डे पर गणेश चतुर्थी थी। जो फैंस थे, भारतीय फैंस, वो हाथी को शुभ मान रहे थे और वो जो है वो किराए पर चेसिंगटन चिड़ियाघर से हाथी को लेकर आए थे। यह हाथी जो है काफी देर तक ओवल क्रिकेट ग्राउंड पर टहलता रहा और इस हाथी का नाम था बेला। इस तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरी के लिए बने रहिए स्पोर्ट्स क्रेजी के साथ।